टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले लगातार जारी हैं। मुकाबले बहुत रोमांचक हो रहे हैं। ग्रुप टू से बात की जाए तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ग्रुप वन से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच लड़ाई जारी है। ग्रुप वन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच में जीत हार भारतीय टीम की टूर्नामेंट में आगे की राह तय करेगी। ऐसे में आइए समझते हैं कि भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो उसका मुकाबला सेमीफाइनल में आखिर किस टीम से होगा। दरअसल भारतीय टीम सबसे बेस्ट पोजीशन में है, जहां से सेमीफाइनल में टीम जा सकती है। बिल्कुल ऐसे में अगर सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंचती है तो उसकी भिड़ंत किस टीम से होगी? क्या वो इंग्लैंड होगी, क्या वो साउथ अफ्रीका होगी? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सेमीफाइनल में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी या फिर उसका सामना इंग्लैंड से होगा, इसका समीकरण चलिए समझते हैं। भारत अगर आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया से जीत हासिल कर लेता है तो वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। इस मैच में जीत के बाद भारत 6 अंक के साथ ग्रुप में टॉप पोजीशन पर होगा। ऐसे में भारत का सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। ऐसा क्यों? इंग्लैंड ग्रुप टू में दूसरे स्थान पर है। भारत ने टूर्नामेंट में जहां अब तक अपने सभी मुकाबले जीते हैं, तो वहीं इंग्लैंड की टीम अपने 2 मैच गंवा चुकी है। भारत अगर आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच हार जाता है तो भी भारत नेट रन रेट के आधार पर फिलहाल टॉप पोजीशन पर मौजूद है। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 रन से कम अंतर से हारता है तो भी भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। यानी कि हारने के बावजूद टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। सिर्फ करना इतना है कि अंतर जो हार का है वो 41 रन से कम का होना चाहिए। भारत को यह भी दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से 81 से ज्यादा रन के अंतर से ना जीते। ऐसे में भारत ग्रुप ए में टॉप पर बनी रहेगी और इंग्लैंड से भारत का सेमीफाइनल मुकाबला खेलना तय हो जाएगा। लेकिन भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 रन से ज्यादा के अंतर से मैच हार गया और अफगानिस्तान ने अपना मैच 81 रन से ज्यादा के अंतर से बांग्लादेश पर जीत हासिल कर ली तो भारत सेमीफाइनल की रेस से बाहर भी हो जाएगा। वहीं अगर भारत मैच हारता है और अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से हार जाती है या फिर 81 रन से कम के अंतर से हारती है तो भारत ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा और ऐसे में भारत को फिर सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से खेलना होगा। यानी कि बात क्लियर है, ग्रुप में अगर पोजीशन की बात की जाए, टीम इंडिया अगर टेबल टॉपर बन के फिनिश करती है सारे सुपर एट के मुकाबले, तो भारतीय टीम का जो मुकाबला है वो इंग्लैंड के साथ होगा। और अगर टीम इंडिया दूसरे पोजीशन पे सेमीफाइनल में फिनिश करती है तो भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होने वाला है। ऐसे में एक और समीकरण है जो बन सकता है, वो है नेचर का, इंद्रदेव का, यानी कि बारिश का। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में बारिश हो जाती है तब क्या होगा? अगर बारिश हो जाती है मुकाबला रद्द कर दिया जाता है, दोनों टीमों में 1-1 अंक बट जाएंगे। भारत 5 अंक के साथ टॉप पोजीशन पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंचेगा और अगर ऐसा होता है तो बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत का जो मुकाबला सेमीफाइनल का वो इंग्लैंड की टीम के साथ ही होगा। तो ऐसे में ये 3 समीकरण है जो बिल्कुल बन सकते हैं और ये डिसाइड करेंगे आज के 2 मुकाबलों के बाद कि भारतीय टीम अपने ग्रुप में नंबर 1 पर रहती है, 2 पर रहती है या फिर सेमीफाइनल क्रेज से बाहर भी हो सकती है। देखना इंटरेस्टिंग होगा भारत किस पोजीशन पे इस ग्रुप में फिनिश करता है और उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या भारत सेमीफाइनल इंग्लैंड से खेलेगा या फिर साउथ अफ्रीका वो टीम होगी जिससे भारतीय टीम सेमीफाइनल में भिड़ते नजर आएगी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।